करेंगे, आए और हम लोगों को संबोधित करें। डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, ताली बजा के दोनों हाथों से स्वागत करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राजदरणीय जया जी, अहमद हसन जी, किरणमोहन राय नंदा जी, मंच पे उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण और जितने भी हमारे युवा कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे किसान भाई, हमारी माताएं बहनें जो कम संख्या में हैं, क्योंकि आप युवा लोग सब आगे आगे हैं, मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे जगह देनी चाहिए थी थोड़ी सी, सभी नौजवान साथी, सभी पत्रकार बंधु जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और विशेष रूप से कन्नौज की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज यहाँ पे आई है, और उनका आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने दो बार समाजवादी पार्टी को और मुझको यहाँ से सांसद बना के भेजा है। और मैं समझती हूँ जब आज मैं नामांकन भर के आई हूँ तो आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब तो गठबंधन भी साथ है, और जैसा कि श्री रामगोपाल चाचा जी ने कहा है, जहां जहां समाजवादी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहां वहां हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है, और जहां जहां बसपा के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहां वहां हमें बसपा को भारी मतों से जिताना है। कन्नौज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिश्ता रहा है, और जो सम्मान कन्नौज ने मुझको दिया है और अखिलेश जी को दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह इस क्षेत्र का विकास लगातार पिछले 15-20 सालों में होता आया है, आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा। अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत माताएं यहाँ मौजूद हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, क्या, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या अपने बच्चों को चौकीदार बनाना चाहते हैं? आज ही, कल ही UPSC का रिजल्ट आया है, ठीक, कल ही UPSC के रिजल्ट आए हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो जो लोग मानते हैं कि देश के वो हर बच्चे को चौकीदार बनाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी वे सरासर गलत है। हमें चाहिए, एक अच्छी सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा की तरफ बच्चों के ध्यान दें, उन्हें ऐसे अवसर दें जिससे कि वह खुद पढ़ लिख के अपने आप अपने पैरों में खड़े हो सके। और इसी के साथ 2017 में जब नोटबंदी हुई थी तो कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर आतंकवाद कश्मीर में है और रोज़ हमारा एक जवान फौज का जवान रोज़ एक शहीद हो रहा है, तो ये मैं समझती हूँ ये मौजूदा सरकार की नाकामी है कि रोज़ पुलवामा की घटना बहुत ही दुखदायी, बहुत ही बेहद दुखदायक थी, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, और मौजूदा सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार जब से आई है हमारे शहीदों की शहादत में बढ़ोतरी लगातार होती रह रही है। अब महिलाओं के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। 2017 से आज 2019 है, इस सरकारों ने, ना केंद्र की सरकार ने और ना राज्य की सरकार ने कुछ किया है, और लगातार, और कल तो मथुरा की घटना ही आप जानते होंगे किस तरह एक महिला कांस्टेबल के पास तेजाब डाल दिया गया, उसको झुलसा दिया गया,
तो ऐसी नाकारा सरकार को मैं समझती हूँ हम सब मिलकर हटाने का काम करेंगे और एक और इस देश को एक नई दिशा और इस देश को एक नई दिशा और एक वातावरण देने का काम करेंगे। और झूठे वादों वाली सरकार का अब जाने का समय आ गया है। मैं आप सभी से पूरी उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप वोट बटन दबा के समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी मायावती जी का और शशि चंद्र मिश्रा जी का, जो आज यहाँ पे आप आए हैं अपना समय निकाल के यहाँ पे आके हमारे कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दी है। मैं आपका आभार और धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी का जो इतने सुबह से आप रुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके करोड़ों नौजवानों किसानों के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव